नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है वसई विरार महानगर पालिका से, जहां पर बड़े भ्रष्टाचार के मामले में आज एक कार्यवाही हुई। आप सभी को मालूम है वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति सी के कर अधीक्षक अरुण एम जानी ने महानगर पालिका के 72 लाख रूपये कर वसूली के 72 लाख रूपये महानगर पालिका खाते में जमा नहीं करवाए थे, और उस मामले में कई सवाल उठ रहे थे। इस मामले में 17 मई को अरुण एम जानी का निलंबन हुआ था। उसके बाद महानगर पालिका प्रभाग समिति सी के सहायक आयुक्त, प्रभारी सहायक आयुक्त गणेश पाटिल के ऊपर भी सवालिया निशान लग रहे थे। उसी गणेश पाटिल का आज निलंबन आदेश निकला है। उसी मामले में आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये निलंबन आदेश है गणेश पाटिल का। और इसके पहले जो आंकड़ा था वो 46 लाख और 72 लाख का कन्फ्यूजन था, लेकिन ये आंकड़ा 72 लाख है, कन्फ्यूजन नहीं है। क्योंकि 72 लाख इसलिए है कि जब पिछला आदेश जब निकला था तो उसमें ऐसा बताया गया था कि इन्होंने 26 लाख रुपया भर दिया है, लेकिन अगर बात की जाए 26 लाख कब भरा था तो वो डेट थी आदेश निकलने के एक दिन पहले। खैर, अभी का जो आदेश मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप इस आदेश में साफ साफ लिखा है, जय अर्थी श्री अरुण एन जानी अधीक्षक वसई विरार शहर महानगर पालिका जी प्रभाग समिति सी चंदनसार यथे घरपट्टी विभाग कर अधीक्षक मनुन कार्यरत अस्ताना दिनांक 18/4/2023 ते दिनांक 16/5/2023 पर्यंत जमा झालेला मालमत्ता कर भरणा न केल्यास चे निर्देशनास आले आहे। श्री गणेश हिराल पाटील दिनांक 9/3/2023 रोजी पासून आस्था गायत प्रभाग समिति सी चंदनसार येथे प्रभारी सहायक आयुक्त या पदावर कार्यरत असून सदर प्रभाग समिति नियंत्रक म्हणून कामकाज पाहत आहेत। फिर नीचे इसमें लिखा है एक जवाब क्रमांक स्थापना, और उसमें ये लिखा हुआ है कि 17/5/2023 को गणेश पाटिल को प्रभारी सहायक आयुक्त जो है उनको नोटिस दिया गया था, कारण बताओ नोटिस। और साथ ही साथ महानगर पालिका ने लेखा विभाग के मिलिंद पाटिल को, इसमें लेखाधिकारी मिलिंद पाटिल को समिति का चेयरमैन बनाते हुए एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसने जांच की। और इस मामले पर ये क्योंकि ये वित्तीय अनियमितताओं का मामला है, तो उन्होंने जांच की और उन्होंने जांच रिपोर्ट सौंपी। तो उन्होंने ये बताया कि 18/4/2023 से लेकर 16/5/2023 तक के 72,68,899 रूपये अरुण एल जानी ने वसूल किए थे, वो पैसा उन्होंने 26,22,660 रूपया 16 तारीख को भरा, 16/5/2023 को, और बाकी का 46,46,239 रूपया 17/5/2023 को भरा, जो नियमानुसार गलत है। 17/7 को और 18/5 को, दो दिन में ये बाकी का 46 लाख रूपये भरा गया है। हम सभी जानते हैं कि शासन का जो पैसा है वो तुरंत, शासन की वसूली का किसी भी तरह का पैसा रहने दो, एक रुपया भी रहने दो, वो तुरंत सरकारी खाते में जमा होना चाहिए, जबकि इन्होंने 1.5 महीने तक पैसा नहीं भरा था। और जो बातें उठी थी कि इन्होंने वो पैसा ब्याज पर घुमाया, तो इस तरह से इन्होंने 2 हिस्सों में पैसा भरा था। जो पैसा लेट भरना है वो शासकीय नियमानुसार गलत है, और चूंकि अरुण एल जानी ने तो ये कृत्य किया ही किया, लेकिन गणेश पाटिल जो कि नियंत्रक है, प्रभाग समिति के नियंत्रक थे, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया करके, वो भी शिष्ट भंग का एक अंग माना जाता है। तो इसी के चलते गणेश पाटिल के ऊपर ये कार्यवाही हुई और गणेश पाटिल का ये निलंबन आदेश निकला। इस आदेश में लिखा हुआ है आगे फिर जो निलंबन की शर्तें होती है, जैसे निलंबन में उनका आधा भत्ता मिलेगा, निलंबन की अवधि में इनको महानगर पालिका मुख्यालय छोड़कर कहीं जाना नहीं है, वो सब चीज इसमें नमूद की हुई है। तो कुल मिला के पिछले लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि कहीं न कहीं इस मामले को दबाया जा रहा है, तो इस मामले पर जांच होनी चाहिए। लेकिन अभी भी गणेश पाटिल का भले ही आज निलंबन आदेश निकल गया, लेकिन अभी भी एक बड़ा काम बाकी है। आपको मालूम होगा मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो जारी किया था, उसमें मैंने दिखाया था कि कैसे 17 मई को महानगर पालिका अतिरिक्त आयुक्त ने इस मामले की FIR करने का आदेश दिया था। तो FIR गणेश पाटिल को करना था, लेकिन गणेश पाटिल ने वो FIR किया नहीं। अब खुद
गणेश पाटिल भी इसमें निलंबित हो चुके हैं। तो अब वो एफआईआर कौन करेगा और एफआईआर के लिए महानगर पालिका किसको अधिकृत करती है ये देखा जाएगा। फिलहाल नए सहायक आयुक्त कौन किसको नियुक्त किया गया उसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन ये एक बड़ी अपडेट है आज वसई विरार महानगर पालिका से सामने आई है। लगातार हम अपने चैनल पर इसको बार बार दिखा रहे थे कि किस तरह से सरकारी पैसे का इन्होंने अपहार किया। आज उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्यवाही हुई और एक ऐसा बोल सकते हैं कि आगे भविष्य के लिए एक पॉजिटिव वे में कुछ कार्यवाही हुई ऐसा दिखाई दे रहा है आने वाले समय में। अभी तो ये काफी कम कार्यवाही है। अभी मेरे सूत्रों से मुझे ऐसी भी जानकारी मिली कि इस पूरे मामले पर आने वाले दिनों में विधानसभा में तारांकित प्रश्न भी खड़ा होने वाला है, तब जाकर कहीं ना कहीं ये मामला काफी बड़ा होने वाला है। लेकिन फिलहाल गणेश पाटिल का ये निलंबन हुआ ये आपको हमने दिखाया। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।